हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के घर पे अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने जो आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, पहचान भी बताया था। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कभी भी उसका ट्रांसलेट करना हो तो हमें जो है उसका जो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर मालूम होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया भी था पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हो, आया हो तो वह कौन सा होता है? ये पर्यायन कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो आज जो हम कौन सा बनाने जा रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस, यानी वैसे सेंटेंस जिसमें जो है ना के भी होता है जो होता है नेगेटिव सेंटेंस का होता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कि नकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव। सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर जानेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? जी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद से जो है ई जाय से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद से ए आर एम प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? जी ई आर एम प्लस नॉट। इसके बाद से कुछ लेंगे जी भर प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर एग्जाम्पल देखेंगे। वॉक फल नहीं खरीद रहा है, वॉक फल नहीं खरीद रहा है। तो देखिए क्रिया के अंत में क्या है कि रहा है आया हुआ है। सही क्या है? क्रिया है। इसके अंत में क्या है कि रहा आया हुआ है। ये सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फिर यहां देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है। कौन सा जी? नहीं का। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे जो है आप इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि यह है सेंटेंस में जो है कौन सा टेंस का है और ये कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटोगेटिव है कि नेगेटिव इंटोगेटिव है। वह फॉल नहीं खेल रहा है, जबकि हमने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव का। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है कि वह, तो वह तो क्या होता है? ही भी होता है और सी भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे ही के रूप में कि सी का। वह फॉल नहीं खरीद रहा है, यहाँ पे क्या मेल का बोल रहा है फीमेल का? वो नहीं खरीद रहा है, यानी यहाँ पे क्या पुरुष का बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम वह के लिए ही के रूप में ही। तो ही कौन सा पर्सन है? ही जो है वह थर्ड पर्सन है। सिंगुलर की प्लूरल है? ये सिंगुलर है, क्योंकि इसमें वह जो है उसमें एक आदमी का बोल रहा है, इसलिए ही के साथ ही के रूप में ही की। सब्जेक्ट हो गया ही, जो इसके बाद इसके लिख रहे हैं जी नॉट। He is not. अब देखिए इसमें वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना क्या होता है? बाय। और इसलिए वह आई सी जोड़ देंगे, he is not buying. और इस ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? फॉल है, she is not buying fruit. She is not buying fruit. फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल आज वर्षा नहीं हो रही है, आज वर्षा नहीं हो रही है। आज वर्षा नहीं हो रही है। इसका क्या लिखेंगे? इट इज।
इट इज सब्जेक्ट हो गया इट इज और यहां पर नॉट इट इज नॉट रैनिंग हो गया इट इज नॉट रैनिंग टूडे आज वर्षा नहीं हो रही है इट इज नॉट रैनिंग टूडे इसका एग्जाम्पल दे दीजिए मेरे माता पिता दिल्ली नहीं जा रहे हैं दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो देखिए मेरे माता पिता दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो क्रिया एग्जाम में क्या है कि रहे हैं क्या है बताया कि रहे हैं ये सेंटेंस कौन सा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा और जो देखिए नहीं आया होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा होगा नेगेटिव सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट में रहना है सब्जेक्ट क्या है मेरे माता पिता ये क्या है जिसमें सब्जेक्ट है तो मेरे माता पिता क्या होगा माई पेरेंट्स मेरे माता पिता ये कौन सा है मेरे माता पिता जो ये कौन सा पर्सन है ये जो है थर्ड पर्सन तो कौन सा होगा जी सिंगल होगा प्लूरल होगा जिसमें देखिए माता पिता कितने आदमी लोगों को रहेगा दो आदमी लोगों को तो ये क्या होगा सिंगल होगा प्लूरल होगा ये प्लूरल होगा माई पेरेंट्स इज आर एस टीचर जो है तो आर पेरेंट्स यूज होगा माई पेरेंट्स आर फिर देखिए इसमें सब्जेक्ट हो गया आर हो गया नॉट माई पेरेंट्स आर नॉट अब क्या है इसमें देखिए वर्ब क्या है इसमें जाना है जाने क्या होता है गो होता है तो इसका फोर्थ फॉर्म कौन सा होगा जिसमें आई जी को एड कर देते हैं ये फोर्थ फॉर्म होता है माई पेरेंट्स इज नॉट गोइंग मेरे माता पिता नहीं जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं कि दिल्ली टू दिल्ली तो आज के वीडियो के माध्यम से जो है मैंने जो है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद